साहिबगंज जिले के पेयजल व स्वच्छता विभाग कार्यालय के गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का ब्लीचिंग पाउडर जलकर राख हो गया। ये घटना बुधवार की रात करीब 8:30 की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही कार्यपालक अभियंता गोविंद कच्छप मौके पर पहुंचे और अगजनी की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। कुछ देर के बाद अग्निशमन विभाग के दल बल दमकल के साथ मौके पर पहुंचे और गोदाम में लगी आग पर काबू पाने में जुट गए। वहीं कार्यपालक अभियंता गोविंद कच्छप ने बताया कि जिले के दर्जनों ग्रामीण क्षेत्रों में छिड़काव के लिए ब्लीचिंग पाउडर को मंगवाया गया था, जिसे लेकर क्षेत्र के जलसहिया के माध्यम से गांव में वितरण करना था। कई गांवों में वितरण की प्रक्रिया जारी थी, परंतु अचानक आग लगने से लाखों का ब्लीचिंग पाउडर जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है, फिलहाल ये जांच का विषय है। देखें कार्यपालक अभियंता ने क्या कहा। अभी यहाँ जो है आग लगी है, क्या कुछ मामला कैसे? आग लगी, यहाँ स्टोर था, यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर रखा हुआ था जो बांटना था हर गांव में, और हम लोग बंटवा दिए थे, लेकिन यहाँ पे अभी लगता है ठंडरिंग की वजह से कुछ हुआ होगा, केमिकल रिएक्शन क्या हुआ इसका तो अभी नहीं पता कैसे लगा, तो उसका तो काबू पा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कुछ वहाँ बिजली की भी कनेक्शन थी क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं था, बिजली कनेक्शन में नहीं था, कुछ नहीं था, बस रूम था उसमें, बस स्टोर रखने के लिए था, बस हम लोग वहीं स्टोर में रखे थे। कितना का ब्लीचिंग था सर? और ये तो अभी हम लोग आकलन करेंगे कितना का था।